hell is happening here? What is happening? तो फाइनली दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शाहिद कपूर की आने वाली मच अवेटेड मूवी ब्लडी डैडी के बारे में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी बेस्ट होने वाली है। इस मूवी में शाहिद कपूर किसी बच्चे के पिताजी के रूप में दिखाई देंगे। अगर बात करें इस मूवी की कहानी की, तो आप लोगों को बताते चले कि इस मूवी में शाहिद कपूर के बेटे का किडनैपिंग कर लिया जाता है, जिसके बाद वह अपने बेटे को छुड़वाने के लिए बहुत बड़े बड़े गैंगस्टरों से लड़ाई करते दिखाई देने वाले है। वही इस मूवी में आप लोगों को शाहिद कपूर के अलावा रोनित रॉय और संजय कपूर भी नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। यह मूवी साल 2011 में आई फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट का ऑफिशियल हिंदी रिमेक होने वाली है। इस मूवी का टीजर भी कुछ दिन पहले रिलीज कर दिया गया है। टीजर को देखकर मालूम होता है कि शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी में सभी सिनेमाई गुण हैं, जिसे हम वर्तमान समय में एक्शन फिल्मों में देखने की उम्मीद करते हैं। इसमें बंदूक, विस्फोट, हिंसा और ड्रग्स, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। शाहिद का किरदार खून से रंगा नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह फिल्म रिलीज पर ही पता चलेगी। टीजर रिलीज के साथ ही मूवी की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी गई है। ब्लडी डैडी एक डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग फिल्म है, जिसका प्रीमियर 9 जून को जियो सिनेमा पर होगा। इस मूवी को शानदार डायरेक्शन दिया है अली अब्बास जफर ने, जो कि इससे पहले टाइगर जिंदा है, सुल्तान और भारत जैसे सुपरहिट मूवी दे चुके हैं। आप लोग शाहिद कपूर की इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।